सो हाय गाइज, वेलकम बैक इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका कॉलेज काउंसलर। सो गाइज, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 3 इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट एक यार छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, अगर ये कंटेंट हमारा, ये जो नई सीरीज हमने बनाया, अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करके जाना। आप लाइक और कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और कुछ सुधार आप कराना चाहते हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से टॉप कॉलेज क्या होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में इस चीज़ों को अपडेट करने के लिए। और गाइज, जो भी हमने रिसर्च किया, ये रिसर्च हमारा मीडिया बेसिस फीडबैक, आप लोगों का जो फीडबैक है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप भी किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप किसी कॉलेज की तलाश में हो देन ये वीडियो आपके लिए है। आपको यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं टॉप 3 प्राइवेट जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, कॉलेज एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमारे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन बुक अ कॉल, देन ऑन अपॉइंटमेंट पेज सेलेक्ट योर सर्विसेज लाइक कॉलेज काउंसलिंग, क्लिक ऑन डैट, चूज योर डेट, देन चूज योर शेड्यूल टाइम लाइक दिस। नाउ पुट योर ईमेल नेम, फोन नंबर एंड रिलेटेड क्वेश्चन, एंड देन क्लिक ऑन डैट टिक बटन एंड सबमिट इट। सो गाइस, टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज इन जबलपुर की बात करें तो नंबर 1 फर्स्ट रैंक पे आता है ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, GGCT जबलपुर। ठीक है, काफ़ी नामी कॉलेज है और काफ़ी इसने अच्छे अच्छी रिजल्ट और स्टूडेंट डेवलप किए हैं इन्होंने, है ना। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, बट यार कुछ कमियाँ हैं। 2015 के टाइम पे ये कॉलेज बहुत जबलपुर का नामी कॉलेज माना जाता था। थोड़ी सी इसकी रेपुटेशन कम होती गई, बट बीच में इन्होंने फिर से सुधार किया है। सो अभी ये रैंक 1 पे आपको दिख रहे हैं। सो देखा जाए एफिलिएशन की बात करें तो राजीव गांधी आरजीपीवी भोपाल से एफिलिएटेड है, AICT से अप्रूव्ड है। कोर्सेज की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में भी लगभग आपको कुछ कोर्सेज तो मैं आपको यहाँ शो करा दे रहा हूँ, बाकी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एक्स्ट्रा कोर्सेज को आप चेकआउट कर लेना। वैसे जनरली बात करें तो जितने भी मेन कोर्सेज हैं बैचलर्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। MBA, MTech और MCA भी यहाँ पे कराया जाता है। फीस की बात करें तो फीस ये 70,000-75,000 के आसपास इन कॉलेज की बैचलर की फीस रहती है। डिपार्टमेंट वाइज ये थोड़ा सा कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। बात करें 2021 की तो 2021 में फार्मेसी में 80,000 से लेकर 90,000 तक इनकी फीस गई है, और कुछ डिपार्टमेंट लाइक CSIT की भी। बट यार कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करें लाइक मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की, तो वो बहुत सस्ते में भी एडमिशन हुआ है। 35,000-40,000 में भी एडमिशन हो गया पर ईयर। तो यार बार्गेनिंग करना है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज का मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, जब एजुकेशन को बिजनेस बनाओगे तो हम मार्केटर जरूर बनेंगे और बार्गेनिंग जरूर करेंगे। तो किसी कमीशन दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे बात करना है, सर मेरी इतनी औकात है, मैं इतनी फीस दे सकता हूँ, आप एडमिशन दे पाओगे या नहीं आप ये बताओ, हमारे पास और भी कॉलेजेस हैं। ठीक है, जरूर ध्यान देना। आगे बात करें एड्रेस एंड कॉन्टेंट इन्फो, तो ये दे दिया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। इससे ज़्यादा गाइज, आप किसी भी कॉलेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ अपना कॉल बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड नाउ और बुक अ कॉल। आगे बात करते हैं तो यार जबलपुर का सेकेंड टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SRIT जबलपुर आता है। इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी अच्छा है ये सब चीज़ें। एफिलिएशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो RGPV भोपाल एंड रानी दुर्गावती। ठीक है, RGPV भोपाल से साथ ही साथ रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर से भी ये एफिलेटेड है। कोर्सेज की बात किया जाए तो बैचलर के लगभग बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कुछ कोर्सेज तो मैंने शो करा दिया है, बाकी के कोर्सेज आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे MBA, MTech, MTech और MCA भी कराया जाता है। फीस की बात करें तो इनका भी फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, लाइक भोपाल और इंदौर कॉलेज से कम ही फीस है जबलपुर के कॉलेजेस का। 60,000-70,000 तक में यहाँ पे कुछ ब्रांचेस में एडमिशन आपको आराम से मिल जाता है, बट यहाँ भी जम के बार्गेनिंग होती है। जी हाँ, जम के बार्गेनिंग होती है, 30,000 तक में चला जाता है एडमिशन कुछ ब्रांचेस की बात करें तो बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, एड्रेस एंड कॉन्टेंट इन्फो की बात करें तो एड्रेस और फोन नंबर दे दिया हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। तो थर्ड जबलपुर का थर्ड टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो हितकरणी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम आता है। 2021 में
कहा जाए तो थोड़ा सा कॉलेज की रेपुटेशन डाउन हुई थी, बट इधर 2-3 साल से ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रहा है और ऊपर आ चुका है। तो हितकरनी की बात करें तो इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल है, जबलपुर जैसे शहर के लिए तो बेस्ट है। एफिलिएशन की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE एंड NBA एंड एफिलिएशन RGPB भोपाल से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ भी बैचलर्स के आपके काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ज़्यादा कोर्सेज के बारे में, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको गूगल में सर्च करना है हितकरनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जबलपुर, ठीक है। फीस की बात करें तो फीस इनकी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 60,000-65,000 के आसपास इसकी फीस है। कुछ ब्रांचेस की बात करें लाइक फार्मेसी या फिर कंप्यूटर साइंस या IT की बात करें तो थोड़ी सी फीस 70-75 तक चली जाती है। अदरवाइज़ आपको आराम से 50,000-55,000-60,000 में यहाँ पे एडमिशन पर साल क्या जो फीस है बता रहा हूँ मैं, आराम से मिल जाएगा। यहाँ भी ज़बरदस्त बार्गेनिंग होती है, यहाँ भी अगर सीट खाली रहता है तो 20,000-25,000-30,000 में भी एडमिशन हो जाता है। थोड़ा सा दम लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बार्गेनिंग करो, देन ऑफकोर्स बहुत कम में आप अपना एडमिशन करा पाओगे, ठीक है। बाकी गाइस टॉप 10 की भी लिस्ट हमारे पास है, टॉप 10 की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। टॉप 10 प्राइवेट BE/BTECH कॉलेज इन जबलपुर रैंक वाइज में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।